अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील। आप देख रहे हैं अदील भाई यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब जद्दा सिटी में प्लांट दिखाएंगे, जहां पर पौधे प्लांट किए जाते हैं। यहां पर आप मेरी बैक साइड पर देख भी रहे होंगे। तो आज यहां पर मैं आया था विज़िट करने के लिए, तो सोचा आपको ये भी दिखाऊँ, आपको यहाँ का विज़िट करवाऊँ। तो आप मेरे बैक साइड पर देख रहे होंगे, ये बहुत सारे पौधे हैं। और यहाँ का जो मेन यहाँ पर है ना, खजूर का दरख्त, वो बहुत मशहूर है। आपको पता होगा कि अरब में जो ज़्यादातर पॉपुलर अपना दरख्त है, वो खजूर का दरख्त है। तो यहाँ मेरी बैक साइड पर काफ़ी तादाद में है। तो आपको इंशाल्लाह आज मैं इस अपनी वीडियो में दिखाऊंगा और इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी विज़िट करवाऊंगा। तो उससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। तो आइए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। ये भी आप देख रहे होंगे, अभी थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे मैं खुद आज पहली बार आया हूँ यहाँ पर। तो आया तो कोई और काम से था, जब मैंने देखा तो सोचा आपसे मैं बात कर लूँ, आपसे शेयर कर। ये देख लें, अभी मुझे इनके नाम सारे के पता तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा अभी। और ये हमारे दोस्त हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको वहाँ का, असल में आपको पता है जो ग्रीनरी होती है ना, ये खूबसूरती की इलामत है। भी चाहिए कि हम भी अपने घर में पौधे लगाएं, क्योंकि ये इंसान के लिए, इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये अभी लगा रहे हैं, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं और पूछते हैं भाई ये क्या लगा रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है भाई जान, ठीक हो? हाँ भाई, ठीक हो। भाई क्या लगा रहे हो आप यहाँ पर? ये हाँ भाई जान, है क्या लगा रहे हैं आप? फूल का पेड़ है भाई। अच्छा, इसको ये मुल्क में इसको बोलते हैं गर्दनिया के दरख्त। अच्छा, तो भाई इसमें ज्यादातर कौन सा दरख्त ऐसा जो ज्यादातर ज्यादा पाया जाता है यहाँ पर, ज्यादा जल्दी पैदा हो जाता है? सही। क्या नाम है आपका? हसाब वाली। और ये क्या लगा रहे हो आप? गुड़दुनिया। ये देख ले जी गाइस, ये अभी नए लग रहे हैं, ये अभी बड़े होंगे। ये कितने बड़े होंगे जब मार्केट में आप लेके जाओगे? एक मीटर तक जब बड़ा होगा तब। सही है। तो ये कितनी देर में लग जाएंगे अपना मुकम्मल हो जाएंगे? कितने दिनों में ये मुकम्मल होंगे? दो तीन महीना लगे। अच्छा, 3 महीने के बाद ये 1 मीटर का होगा। अच्छा, तो गाइस देख ले, ये मेहनत भी बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पर गर्मी भी है, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो इनके फार्म में आकर प्लांट कितने खूबसूरत लग रहे हैं दरख्त भाई। और क्या क्या है आप बताएंगे यहाँ पर? ये अभी साइड पे जो है, इसका क्या नाम है? ये हम आगे जा रहे हैं, आगे जाके देखते हैं ये भाई हमें लेके जा रहा है कि और कौन कौन से यहाँ पर पौधे हैं और कौन। ये क्या, ये तो कली है मेरे ख्याल में भाई। ये तो अभी एक लगा भी हुआ है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये देखो भाई ने अभी हमें तोड़ कर दी है, ये अभी आपको दिखा रहा हूँ।
ये आपको कली की खुशबू का तो पता ही होगा, इसका नाम क्या है भाई? किन्ना। हाँ भाई, भाई ने हमें ये गिफ्ट की है, तो अभी इसकी स्मेल भी बहुत खूबसूरत है। और ये इसका नाम क्या है भाई? सही। अच्छा, ये वैसे आपको रेट का पता होगा, ये यहाँ सऊदीया में कितने पैसों का, ये कितने रियाल में ये बिकता होगा? अच्छा, अगर किसी भाई ने खरीदना भी होगा तो क्या नाम है इसका? मुरेख। ये आपको मैक्सिमम 10-15 रियाल में मिल जाएगा मार्केट से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो शायद आपको और सस्ता मिल जाए, ये भाई आपकी और हेल्प कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, येलो कलर के हैं। क्या नाम है इसका? क्या? तोफला। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ये कितने में मार्केट में मिलेगा? दो रियाल या तीन रियाल। अच्छा, ये भाई ने ये देख लें, जो भी हम जा रहे हैं जहाँ पर भी जा रहे हैं वो भाई हमें तोड़कर हमें गिफ्ट दे रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भी देख लें, थैंक यू जी। अच्छा, ये कितने में मिलेगा जो येलो कलर का है? सही। ये गाइस टोटली देख ले, यहाँ पर इन लोगों ने प्लांट किए हुए हैं पौधे। ये कौन सा है? जहन्नमिया। ये कौन सा दरख्त है जहन्नमिया? ये वाला है? ये जनाब दरख्त है जहन्नमिया। अभी मैं तो आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, ये दोस्त जो हमारे भाई हैं जो हमें लेके आए यहाँ पर, ये बंगाली है, इनकी उर्दू में थोड़ा फ़र्क है क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है हमसे, तो इसलिए शायद आपको समझ में ना आए। तो गाइज अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, एक बड़ा सा पता नहीं क्या है, मुझे तो खास इतना पता भी नहीं है। और ये 6 फुट से ज़्यादा, ये कितना खाद होगा इसका? तो 20 रियाल। अच्छा, और ये इसकी कीमत जो है ना 20-30 रियाल। 20-30 रियाल सऊदीया के मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के नहीं। ये 20-30 रियाल का पाकिस्तान के ज़्यादा बन जाते हैं, तो इनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ये भाई ने हमें अपनी प्लांटिंग का विज़िट करवाया। और ये भाई हमारे साथ हैं, इसकी बहुत खुशबू आ रही है, तो थैंक यू भाई। थैंक यू। आपने आप हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? करो सब्सक्राइब, करो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।